सबसे पहले मैं लक्षण सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। अगर कफ हो रही है 2 हफ्तों से ज्यादा या फीवर 2 हफ्तों से ज्यादा, वेट लॉस, फटीग यानी थकान, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हीमोटाइसिस यानी खून आ रहा है कफ में, साथ में हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे जिसपे नोड्यूल्स या मिलियरी इन्फिल्ट्रेट देखेंगे, तो टीबी हो सकती है। कि आपको पता है टीबी जो है कि एयरबोर्न डिजीज है, स्पूटम बाहर आएगा दूसरे के पास जाएगा तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्यूबरकल बैसिलाई बैक्टीरिया जो है उसको हाई ऑक्सीजन टेंशन पे ग्रो करना पसंद है, तो वो पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, यानी कि टीबी जो है मेनली लंग्स में सबसे पहले फैलेगी। तो जब बैसिलाई अंदर गया पल्मोनरी कैपिलरी में तो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, न्यूट्रोफिल आएंगे उसको मारने की कोशिश करेंगे पर न्यूट्रोफिल नहीं मार पाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद 12 घंटे बाद मैक्रोफेज आएंगे टीबी के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ट्यूबरकल बैसिलाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो किस मैकेनिज्म से आएंगे? ऑप्सोनिन से, ऑप्सोनाइजेशन होगा। C2A एंड C3B कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एक्टिवेट होके मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज ए कीमोटैक्टिक मूवमेंट, केमिकल्स के कारण मूवमेंट होगी। तो ऑप्सोनिन ऑप्सोनाइजेशन हो जाएगा। अब मैक्रोफेज जो है टीबी के बैक्टीरिया को मारने की ट्राई करेंगे, पर क्या होगा, हो सकता है मार भी दे, हो सकता है ना मार पाए। तो अब अगर वो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं मैक्रोफेज, उसके बाद प्रोलीफ्रेशन हो जाएगा मैक्रोफेज का, क्योंकि साइटोकाइंस वगैरह, इंटरल्यूकिंस वगैरह और TNF अल्फा फैक्टर वगैरह रिलीज होगा ड्यू टू नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन लेटर केसेस। प्रोलीफ्रेशन हो जाएगा मैक्रोफेज का। अब कैसे है, न्यूक्लियाई जो है एलोंगेटेड हो गए हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो इओसिनोफिलिक हो गया है, या फिर हो सकता है कई बार अनएबल टू किल बैक्टीरिया। उस केस में क्या होगा, उस केस में जाइंट सेल्स बन जाएंगे। जाइंट सेल, जाइंट जो पहले सेल मैंने बताया आपको एपिथिलोइड सेल थे जो कि प्रोलीफ्रेशन था मैक्रोफेज का, और अब जो बने वो जाइंट सेल है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है जिनके 2 अलग अलग पोल पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, हॉर्सशू टाइप या रिंग टाइप के। केशियस नेक्रोसिस होगा। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन देता हूं, बीच में केशियस नेक्रोसिस है, साइड में एपिथिलोइड सेल है जो प्रोलीफ्रेशन हो गया मैक्रोफेज का, उसके बाहर सराउंडेड है टी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट होगी जो कि साइटोकाइन रिलीज करेगी, साथ में बी सेल भी थोड़ी बहुत ह्यूमरल एंटीबॉडी में पार्टिसिपेट करते हैं, और बिल्कुल लास्ट में फाइब्रोसिस से ये बंडल सराउंड होगा जिसको ग्रेनुलोमा बोलेंगे। अब केशियस नेक्रोसिस है, फेट क्या है उसका है? कि वो हो सकता है पिघल जाए, यानी कि लिक्विफेक्शन हो जाए उसके मटीरियल का और पस की फॉर्म में वो साइड में फैल जाए, केशियस नेक्रोसिस, उसको कोल्ड एब्सेस बोलेंगे। और साइनसिस वगैरह बनेंगे जब टीबी बोन्स वगैरह में फैल जाएगी, जैसे स्पूटम है ऊपर की तरफ आ रहा है, फैल रहा है, जैसे स्पूटम को हमने स्वेलो कर लिया तो वो गैस्ट्रिक वगैरह में भी जा सकता है। इस तरह हिमेटोजिनस स्प्रेड जब होगा, ब्लड वगैरह से स्प्रेड होगा, तब उसके बाद वो बोन्स वगैरह में जाएगी जो साइनसिस फॉर्म करेंगे। तो ये थी टीबी का इवोल्यूशन ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस। अब मैं आपको बताऊंगा टीबी के टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यानी फर्स्ट टाइम हो रहा है, यानी चाइल्डहुड स्टेज में हो रहा है, इसको गोन्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है 1 से 2 सेंटीमीटर ऐसा एरिया जहां से टीबी स्टार्ट हो रही है, जो पोर्टल सर्कुलेशन होगा, लिम्फेटिक ड्रेन कर रहे होंगे, वहां पे जो जो लीजन हो जाएगी उसको बोलेंगे गोन्स कॉम्प्लेक्स। ये जनरली होता है लोअर लोब के अपर पार्ट में, ये यहां से लिम्फेटिक कंपोनेंट बनाएगा जो कि हाइलर लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाएगी टीबी। तो इसके अलावा ये मतलब 2 जगह फैल गया, एक तो लंग्स के सेगमेंट पे जहां लीजन हुई है जो गोन्स फोकस है, और एक हो गया हाइलर लिम्फ नोड पे प्राइमरी टाइप का। इसमें सेम वही ग्रेनुलोमा विद सीजेशन नेक्रोसिस होगा, हील्ड हो जाएगा फाइब्रोसिस से तो प्राइमरी वाली हील हो सकती है, या फिर कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो कैल्सिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर सेकेंडरी टाइप का होता है, यानी कि रीएक्टिवेशन हो जाना दोबारा से ट्यूबरकल बैसिलाई की, ये जनरली HIV वगैरह है अगर कोई, तो उसमें हो सकती है क्योंकि इम्यूनिटी वीक है उसमें। सेकेंडरी वाली में क्या होगा, सेकेंडरी वाली मेनली जो है वो 2 तरह की होगी आगे, कैविट्री नॉन कैविट्री। फाइब्रोकेशियस नेक्रोसिस होगा उसमें, या तो क्या होगा कैविटी बन जाएगी, कैविटी से वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा ब्रोंकस और ट्रैकिया में, एंडोब्रोंकियल या ट्रैकियल,
या फिर नॉन कैविटरी लीजन होगा तो वहीं पे पड़ा रहेगा, ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। अब ये स्प्रेड बहुत तरह से हो सकता है, एक लंग से दूसरे लंग हो सकता है स्प्रेड, हो सकता है हिमेटोजेनस स्प्रेड, मिलेट लाइक सीड उसके पूरे बॉडी में फैल जाए, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। वो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहाँ कहाँ फैल सकती है? ब्रेन में, बोन मैरो में, किडनी में, स्प्लीन में, इधर जा सकती है। उसके अलावा सेकेंडरी में और कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? कैल्सिफिकेशन हो सकता है, हो सकता है वो इतना एक्सटेंड हो जाए कि पूरा प्लूरा में फैल जाए, हो सकता है वो एडिजन हो जाए, जो पेराइटल प्लूरा और विस्लर प्लूरा है उनमें एडिजन करा जाए, या फिर कोई आर्टरी वहां से क्रॉस कर रही है तो उसका एन्यूरिज्म हो जाए। एन्यूरिज्म होगा यानी कि डायलिटेशन होगा आर्टरी का, आर्टरी वीक होगी आर्टरी तो ब्लड बाहर निकलेगा, हेमरेज होगी, स्पूटम के अंदर मिक्स होगी तो बाहर से हीमोटाइसिस आएगा। तो ये रीजन होता है कि टीबी में खून में बलगम क्यों आ रही है, हीमोटाइसिस का रीजन। अब हम डायग्नोस की बात करें, डायग्नोस में हम सैंपल लेंगे स्पूटम, दो स्पूटम सैंपल लेंगे, अगर प्रेगनेंसी है तो अर्ली मॉर्निंग सैंपल्स लेंगे, अगर इन्फेंट है, एक साल का बच्चा है, वो हो सकता है स्वेलो कर जाए तो गैस्ट्रिक में मिल सकता है ट्यूबरकल बैसिलाई, तो गैस्ट्रिक सैंपल लेंगे। ये सैंपल की बात, एलजे कल्चर मीडियम आपको पता है माइक्रोबायो में आप पढ़ते हो, एलजे मीडियम लेंगे ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर करके उसकी ग्रोथ देख लेंगे। पैथो में हम क्या करेंगे, एफएनएसी कर लेंगे, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, उससे जो लीजन्स वगैरह है उसका एस्पायरेशन करके हम पता लगा सकते हैं उसमें ट्यूबरकल बैसिलाई है या नहीं। डेथ क्यों हो सकती है, डेथ होगी या तो पल्मोनरी हेमरेजी हो जाएगा, या फिर सेप्सिस हो जाएगा, या फिर कोर पल्मोनेल हो जाएगा, या पल्मोनरी इंसफिशियंसी हो जाएगी, इसके कारण इसमें डेथ होगी। बाकी टीबी लिम्फ नोड्स के थ्रू फैला है, या फिर हिमेटोजिनस आपको पता है मिलरी ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू, या पेरिटोनियल कैविटी में भी कई बार चला जाता है तो कैविटीज में वो जाने लग जाएगा। अब टीबी का बैक्टीरिया कैसा सा है वो पता लगाना है कैसे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है उसका। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्लो ग्रोइंग टाइप का बैक्टीरिया है, स्लो ग्रोइंग है, पिगमेंट कोई नहीं बनाता है और नियासिन पॉजिटिव है, यानी ये नियासिन टेस्ट दे पाता है। नियासिन क्या होता है, नियासिन टेस्ट में होता है नियासिन से नियासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है, वो इंजाइम इसके पास नहीं होता जो नियासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड बना सकता है, तो नियासिन जो है कल्चर मीडियम में इसके पास एकुमुलेट हो जाएगा। नियासिन एकुमुलेट होगा तो हम बाहर से जब साइनोजन ब्रोमाइड, एनिलीन और इथेनॉल डालेंगे तो उसके बाद येलो कैनरी कलर मिलेगा, शीशी में येलो कैनरी कलर का सैंपल होता है जो टीबी पॉजिटिव की तरफ इंडिकेशन करता है। साथ में हम इसमें ले लेंगे कि अब देखो आपको पता कैसे लगेगा, लैब में क्या होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, क्योंकि ये एग्जांपल है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी का। तो हमारी बॉडी को जब बाहर से ट्यूबरकल बैसिलाई हम यहाँ प्रिक कराएंगे, जब इंजेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर में नोड्यूल आ जाएगा, 15 mm का इंड्यूरेशन दिखेगी, हार्ड नोड्यूल इंड्यूरेशन दिखेगी 15 mm की 72 घंटे तक। तो अब नया ट्यूबरकुलो प्रोटीन जो है वो 0.1 ml जिसको कहते हैं प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव यूज होने लग गया है, जिससे हमें पता लगता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का। हम इसको हीफ टेस्ट के फॉर्म में भी देते हैं, मल्टीपल पंचर करके डाल सकते हैं, उसमें भी इंड्यूरेशन आएगी, तो हम इससे टीबी का डायग्नोस कर सकते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी से।